नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। साथियों, आज 11 अप्रैल शिक्षा विभाग की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो के तहत बताई जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं आज की शिक्षा विभाग से संबंधित सभी बड़ी खबरों के साथ यह वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले अपडेट है आरपीएससी से संबंधित। व्याख्याता भर्ती 2022, कृषि सब्जेक्ट में बीएड और पीजी क्वालिफाई अभ्यर्थी नहीं मिलने से खाली रह गए पद। कृषि व्याख्याता के 280 पदों पर निकाली वैकेंसी, 50 अभ्यर्थी ही मिले पात्र, 80% पद रह गए रिक्त। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 के विभिन्न विषयों में चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दे दी गई है। लोक सेवा आयोग की ओर से व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 के तहत 26 विषयों में 6000 रिक्त पदों को भरने के लिए जो वैकेंसी निकाली गई, उसमें कृषि व्याख्याता के 280 पद स्वीकृत थे, लेकिन क्वालिफाई अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण स्वीकृत पदों में करीब 80% से अधिक पद रिक्त रह गए हैं। 1126 स्कूलों में कृषि संकाय 502 पद खाली। अगली खबर, जेई एडवांस परीक्षा के आवेदन अब 27 से 25 अप्रैल को जारी होगी एआईआर और रिजल्ट। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेई मेन से संबंधित है यह अपडेट। अगली खबर, पीटीटी अब तक 3 लाख आवेदन फॉर्म फिलिंग 15 अप्रैल तक। राजस्थान के स्कूलों में शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आयोजित एक राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता यह परीक्षा राज्य में 2 वर्षीय और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड को लेकर के है। यूपीएससी सीएमएस का एक बार ही होगा रजिस्ट्रेशन। सैनिक स्कूलों में शुरू हुई एडमिशन की काउंसलिंग। यहां पर आरपीएफ एसआई व कॉन्स्टेबल के पदों पर 15 को आ सकती है अधिसूचना। आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल के 4660 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू हो सकती है। आरबीएसई चुनाव के कारण परिणाम में हो सकती है देरी। राजस्थान में 19 और 26 अप्रैल को मतदान, बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में, इनमें बोर्ड के भी करीब 200 कार्मिकों की ड्यूटी शामिल है। ये जयपुर जिले से संबंधित अपडेट और 10वीं 12वीं परिणाम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ी अपडेट। यहाँ पर बड़ी खबर है, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कार्रवाई, नकल, फर्जीवाड़ा, उदयपुर के 60 सहित राज्य के 338 अभ्यर्थियों पर आजीवन रोक लगाई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बोर्ड ने 338 अभ्यर्थियों पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें उदयपुर के 60 अभ्यर्थी है। ये अभ्यर्थी अब राजस्थान में होने वाले किसी भी सरकारी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे, यानी अब इन अभ्यर्थियों को प्रदेश के किसी सरकारी विभाग में नौकरी नहीं मिलेगी। बोर्ड ने हाल ही में 338 अभ्यर्थियों पर नकल और फर्जीवाड़ा करने की शिकायत दर्ज करवाई है। इनमें सबसे ज़्यादा 240 अभ्यर्थियों पर फर्जी डिग्री जमा करने का आरोप है। ये बड़ी अपडेट। अगली खबर है, एनटीए और आईआईटी मद्रास की तिथियों में था विरोधाभास, अब देश विदेश के विद्यार्थियों को मिली राहत। जेई मेन अप्रैल सेशन 25 अप्रैल को जारी होंगे ऑल इंडिया रैंक और फाइनल रिजल्ट। यहां पर आरटीयू कोटा 2.25 करोड़ से बने कैफेटेरिया में 3 साल से ताले, स्टूडेंट्स को नहीं मिली रिफ्रेशमेंट सुविधा। दीक्षांत समारोह की तैयारी में जुटा आरटीयू, अनुमति मिली तो मई में हो सकता है। एपीपी के 181 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कल। आरपीएससी ने सहायक अभियोजन अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2024 के कुल 181 पदों पर जो विज्ञप्ति जारी की थी, अभ्यर्थी 12 अप्रैल तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आरजेएस भर्ती 222 पदों की भर्ती के लिए आवेदन शुरू। राजस्थान हाईकोर्ट से संबंधित यह है अपडेट। यहाँ पर बोर्ड का दावा, 30,000 शिक्षकों से जचवा रहे यहाँ पर कॉपियाँ। आरबीएससी अभी सब चुनाव में बीजी, 19 लाख स्टूडेंट को रिजल्ट के लिए करना होगा इंतजार।
अगली खबर है, यूपीएससी ईएसई मुख्य परीक्षा 23 जून को होगी। संघ लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। फर्जी मार्कशीट निदेशालय के दो बाबुओं से पूछताछ। एसओजी ने फर्जी मार्कशीट तैयार करने के मामले में सरदार शहर से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया और बीकानेर के शिक्षा निदेशालय के भी दो बाबुओं से इस बारे में पूछताछ की जा रही है। और यहाँ पर बड़ी अपडेट, चयन बोर्ड 7 भर्तियों के लिए 954,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 7 भर्तियों में 954,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इनमें ज़्यादातर भर्तियाँ सीईटी के अंकों के आधार पर होगी। सीईटी के अंकों के आधार पर पदों के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र घोषित करेंगे। सबसे अधिक पद एलडीसी वर्दी के हैं। आप देख सकते हैं किस भर्ती के कितने आवेदन व पद यहाँ पर। बढ़ते आगे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ा एक्शन, एक साल में 1,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षाओं से बाहर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से नकल, फर्जीवाड़ा और फर्जी डिग्रियां उससे संबंधित यह अपडेट। और यहां पर देख सकते हैं अब इन पर कार्रवाई की तैयारी। पिछले दिनों आयोजित पीटीआई शारीरिक शिक्षा भर्ती में भी कई अभ्यर्थियों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई। दस्तावेज जांच के दौरान पता चला कि कुछ अभ्यर्थियों ने फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जमा कराए हैं। जांच में 14 अभ्यर्थियों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए। अगली खबर है, डिग्री में फर्जीवाड़ा, मेवाड़ विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल 13 तक एसओजी के रिमांड पर मोबाइल लैपटॉप जांच के लिए भेजे। प्रिंसिपल कौशल 5 साल से फर्जी डिग्री दे रहा था, 5 से 7 लाख लेता था, स्टाफ की भूमिका भी संदिग्ध। ये बड़ी अपडेट है। आरपीएससी की लेक्चरर भर्ती के अभ्यर्थियों को फर्जी डिग्री जारी करने के मामले में एसओजी द्वारा गिरफ्तार किए गए मेवाड़ यूनिवर्सिटी के डीएन, आप देख सकते हैं। मेरिट पाने वाली दो युवतियों के लिए भाई लाए थे फर्जी डिग्री, यहीं से मामला खुला। और यहां पर एसओजी ने बेरासन निवासी दलाल, उसके बेटे से 3 को गिरफ्तार किया। 50+ डिग्रियां व प्रमाण पत्र जब्त। पीटीआई बेटे के साथ मिलकर चला रहा था गिरोह। कई विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री राजगढ़ में छपवा 50-50 हज़ार में बेचता था। और लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे, लीक माफिया और पेपर लीक पर पहली बार मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा से सीधे सवाल। भास्कर, क्या सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करेगी सरकार, उससे संबंधित इंटरव्यू। और सीएम ने कहा अभी जांच में बड़े नाम आना बाकी है, युवा हित में फैसला लेंगे। सीटी का असर, प्रतियोगी परीक्षा से पहले ही 99% तक आवेदक आउट हो रहे। कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित यह अपडेट। यहां पर देख सकते हैं एसओजी ने ओपीजीएस विश्वविद्यालय में मारा छापा। तो साथियों, ये थी आज के शिक्षा विभाग से संबंधित सभी बड़ी खबरें। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। साथियों, वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।